अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। मैं परदेशियों के हक में बहुत बातें करता रहता हूँ, आज वीडियो बनाने लगा हूँ। माजरत के साथ बात समझिएगा, फिर कमेंट्स कीजिएगा। परदेश में रहा तो नहीं, लेकिन छोटा परदेश मैंने काटा है। परदेश में रहने वालों को एटीएम मशीन समझा जाता है। वो वहाँ बेचारा क्या कर रहा है, वहाँ कैसे कमा रहा है। यहाँ से डिमांडें ख़त्म नहीं होती। किसी की डिमांड है टच मोबाइल, किसी की डिमांड है बोस्की का सूट, किसी की डिमांड क्या है, किसी की डिमांड क्या है। छोटा प्रदेश मैंने काटा है, एक्सपीरियंस भी है, उम्र का तकाजा भी है। तो परदेशियों को एटीएम मशीन समझा जाता है, उसको सिर्फ फरमाइशें सुनाई जाती हैं, उसके बारे में सोचा नहीं जाता। बड़ा भाई है, छोटे भाइयों की बहनों की फरमाइशें पूरी करते करते अपनी जवानी जो है परदेश में वो गुजार देता है। अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी बीवी नौजवान को छोड़कर वो दाव पे लगा देता है। जब वापस आता है तो आगे उसको क्या मिलता है, जो परदेश में रहते हैं उनको बखूबी पता होगा, उनको बखूबी पता होगा। खाली हाथ आया, खाली गया, खाली हाथ गया था, खाली हाथ वापस आया। आगे आया तो कुछ ना बचा, डिमांडें भी करते रहे, फिर कभी बात हुई तो ताना भी उसको मारा कि हमने पीछे ये काम किए, खेत में काम किए, फलां किए, तो उसको ताने भी सुनने पड़ते हैं। उसका घर भी ख़राब हो जाए तो किसी को परवाह नहीं। अल्लाह पाक परदेशियों को अपने घर में इतना माल दे, इतना माल दे कि वो अपने घर में रहकर, अपने बीवी बच्चों में रहकर कारोबार करें। अपने बाप वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत भी कर सकें। अल्लाह पाक परदेशियों को सलामत रखे, जहाँ भी हैं मेरा सलाम है उनको। मेरी एक गुजारिश भी है, परदेश में रहते हुए एक अकाउंट अपने नाम पर स्पेशल बनाएं, जिसका आपकी बीवी को भी पता ना हो, आपके बच्चों अल्लाह के सिवा और आपके सिवा किसी को पता ना हो। वो आप अकाउंट में बचा बचा के डालते जाएं, जब आप आएं तो आपको बुढ़ापे का सहारा मिले। अल्लाह पाक सलामत रखे पड़ोसियों को, पड़ोसी परदेसी जो हैं जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और उनके बच्चों की हिफाजत फरमाए। और हमें परदेसियों को समझकर डिमांड करने की भी तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।